बोर्ड एग्जाम में पांचवा क्वेश्चन कैसा होगा वो बताएंगे हम। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपके ये है। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल याद है तो आपके एक्सरसाइज 6.1 का, अगर आप 1 to 10 तक क्वेश्चन कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको टेबल याद करनी है और ये पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। सिंपल है, आपको बस ये इनके वैल्यू मालूम होने चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। जैसे आपके दे रखा है यहाँ पर sin 30 डिग्री। अब sin 30 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, जो होता है आपके 1/2 होता है। फिर आगे दे रखा है आपके प्लस 2 cos 45, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos² 45। तो cos 45 का मान होता है आपके 1/√2 होता है। और आगे दे रखा है आपके 3 tan² 60। तो 10 60 का मान होता है आपके अंडर रूट का 3 होता है। अब यहाँ पर ये यह हो गया आपके 1/4, ये 2 का 2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 3 × 3, ये हो गया आपके 1/4, ये दोनों कट जाएंगे प्लस 1 प्लस, और ये हो गया आपके 9। तो 9 और 1 10, तो ये आएगा 10 से 1/4 हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ, ये आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। ध्यान लगाना है कि sin A+B का मान 1 दे रखा है और cos A-B का मान अंडर रूट का 3/2 दे रखा है। लगभग चांस है कि आपके ये जो है ना एक्सरसाइज 6.1 का ही क्वेश्चन कोई आएगा, फिर भी अदर्स मैं तैयार करवा रहा हूँ आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर ये 2 वैल्यू दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि ए और बी को अगर आप ऐड करते हो तो 90 हो सकता है या उससे कम आएगा आंसर। इसका मतलब यही है कि ए और बी की जो सम है वो जोड़ जो है वो 0 और 90 के बीच में आ सकती है, या हाईएस्ट 90 हो सकता है। ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, ये भी ये बता रहा है। तो बताओ ए और बी के मान क्या होंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं दोनों के मान। ए और बी का मान याद करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, ए का मान लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A+B=, अब यहाँ पर एक जो है ना वो sin 90 का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा A+B=90 डिग्री। अब यहाँ पर लिखा हुआ है cos A-B, इधर आपके साइन था तो हमने इधर साइन लेके आया, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस लेके आओ। तो √3/2 जो है ना वो आपके cos 30 का वैल्यू है। तो ये दोनों आपके सेम हो गए, तो A-B का वैल्यू आ गया है आपके 30, वो हम यहाँ लिख देंगे। सॉल्व करो, ये कट जाएगा, तो ये आएगा आपके 2A=, हो जाएगा आपके 120 मल्टीपल का डिवाइड में। तो A का वैल्यू आएगा 120/2=, होता है आपके 60 डिग्री। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, -B=30, प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो B का वैल्यू आएगा 30-60, और ये B माइनस का है आपके, तो ये आएगा आपके -B=-30। माइनस माइनस कैंसिल, और ये आ गया देखो 60 और 30, ये आ गया A और B का वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है, इसका वैल्यू आपको सिद्ध करना है, हमें ये प्रूव करना है। सिंपल है, सिद्ध करना है। तो cos² तो क्या आ रहा है, देखो इसमें भी cos² है। पहले हम ये लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इन दोनों में cos cos आ रहा था, हम लेंगे cos² θ, हमने ले लिया कॉमन। तो अब पहले इसमें इसका डिवाइड करेंगे, तो इसमें इसका डिवाइड जा रहा है आपके 1 टाइम, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे आपके cot² θ बच गया। ये हो गया आपके cos² θ, और 1+cot का मतलब होता है आपके cosec² θ। अब यहाँ पर आपके cosec² θ तो है ही है। अब cosec का मतलब होता है 1/sin, तो हम ऐसे लिख देंगे, cos ऊपर है sin नीचे है, तो cos ऊपर है तो लिखेंगे cosec², नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर sin²θ। cos/sin का मतलब होता है आपके cot²θ होता है, जो कि आपके इस वैल्यू के बराबर है।
अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबा लड़का है। देखो लड़के की लंबाई 1.5, तो छाया की लंबाई 1 मीटर हो गई। उसी समय टाइम का ध्यान रखना, उसी समय मीनार की छाया 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखो ये मैंने बना रखा है, लड़के की ऊंचाई और लड़के की छाया, इन दोनों के बीच में यहाँ बनता है एक एंगल। अब यहाँ पर टाइम दे रखा है आपके, उसी समय, उस समय क्या होता है कि जो एंगल आपके यहाँ बनता है सेम एंगल आपके हर जगह बनेगा, क्योंकि टाइम आपके एक जैसा दे रखा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर एक मीनार है, देखो ये तो है भी एक लड़का, कौन सा वाला, ये, और ये है आपके एक मीनार, ये मीनार है, ये मीनार की छाया है। अब यहाँ पर टाइम उसी समय दे रखा है, तो दोनों का एंगल क्या आएगा आपके, सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ पी क्यू और आर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेन थीटा इजिकल टू लंब बटा आधार। अब टेन थीटा का टेन थीटा रहने दो, लंब बटा आधार, ये लंब है और ये आधार है, 1.5/1, जिसका मतलब होता है 1.5 रहेगा, भाग जाएगा नहीं ऐसे ही। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही लंब है आधार है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ त्रिभुज पी क्यू आर ले रहा हूँ, वही लंब आधार किस में आता है, टेन में, तो मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब टेन थीटा का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है, ये होता है 1.5, लंब बटा आधार, तो लंब एच है आधार 5 है, तिरछा गुणा कर देंगे तो एच का मान आएगा आपके 7.5 मीटर, ऐसे निकालना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, एक मीनार 37 समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का कोण 30 डिग्री है और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और मीनार की छाया 45 मीटर है और कोण आपके 30 डिग्री है, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। तो देखो सिंपल सा है, ये आपके मीनार है और यहाँ पर ये जो लंबाई है छाया की लंबाई, ये दे रखी है आपके 45 मीटर है छाया की लंबाई, और यहाँ से ऊपर से इसका एक उन्यन कोण बन रहा है जो कि है भाई आपका 30 डिग्री का कोण, तो बताओ कि ये वाला कितना आएगा। तो ये हो गया आपके ए बी और सी। अब देखो यहाँ पर आपका एंगल है, तो ये आपका होगा आधार कोण के सामने होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने होता है आपके कर्ण होता है। अब मुझे आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना है, तो आपको देखा होगा लाल बटा कक्का। अब लंब दे रखा, आधार ज्ञात करना किस में आता है, टेन में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, टेन क्यों आया, क्योंकि लंब दे रखा है आधार ज्ञात करना है। अब टेन 30 का मान सारणी में कितना होता है, 1/√3 होता है। अब ये लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार आपके देखो लंब मतलब ए बी ज्ञात करना है, मतलब ऊंचाई कह दो आप, और ये दे रखा आपके 45 मीटर, तिरछा गुणा कर देंगे तो √3 ए बी बराबर हो जाएगा आपके 45, गुणा है तो भाग में, ए बी मतलब हो गई मीनार की ऊंचाई, तो 45/√3। यहाँ पर हम करेंगे हर का परिमेयकरण, मतलब √3 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, ये तो होता है 45/√3, और ये गुणा करने पर आता है 3, भाग दे दो 15/√3 मीटर। ऐसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं आगे ऐसे बनाते रहें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।